हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सरकारी करियर जॉब। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, पूरी डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाल बटन सब्सक्राइब लिखा आपको वीडियो के नीचे नजर आ रहा है, तो अभी कभी उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप वीडियो की नोटिफिकेशन भी चैनल पाना चाहते हो तो उसके बगल में जैसा आप सब्सक्राइब प्रेस करोगे उसके बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप प्रेस कर देना ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाओ। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करना, वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही अच्छी बड़ी वैकेंसीज है, ताकि आपके फ्रेंड्स जो हो उनको भी हेल्प हो जाए, वो भी अगर आप वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का तो उनको भी पता चल जाए कि वैकेंसी रिलीज़ हो गई है, वो भी अप्लाई कर पाएँ। तो वीडियो को सोशल मीडिया पर भी ज़रूर शेयर करना। अब स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, वैकेंसी क्या है। सबसे पहले मैं बता दूँ, पहली जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है। पोस्ट कोड है PEL। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर जाए तो 22 वैकेंसीज है। रिजर्व में अगर मैं बताऊँ तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10 वैकेंसी है, OBC के लिए 5 वैकेंसी, SC के लिए 3 वैकेंसी, ST के लिए 2 वैकेंसी, EWS कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी है। दूसरी जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 मैकेनिकल की वैकेंसी है। इसका पोस्ट कोड अगर मैं बताऊँ तो PEME। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2 वैकेंसी है, जनरल के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। 3 नंबर जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है, जिसका पोस्ट कोड है PECS। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ली जाए तो इसमें आपको 2 वैकेंसीज मिल जाते हैं। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बताऊं तो जनरल के लिए 1 है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी रखी गई। अपर एज लिमिट सबका 1 ही रखा गया है, 28 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 28 से ज़्यादा के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो 2 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का, उम्मीद करता हूँ सबके पास होगा, देन आप अप्लाई ज़रूर करना। अब मैं बात कर लूँ सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे जो आपको मिलने वाली है वो 35,000 रुपया सैलरी आपकी बेसिक स्टार्ट होने वाली है। और भी सैलरी रहेगी लेकिन वो डिपेंड करता है ईयर वाइज, जैसे जैसे आपका ईयर बीत जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे आपका जो मतलब टाइम रहेगा उसे बढ़ाया भी जा सकता है। अभी आपको 2 साल के लिए हायर किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर इसे आप 4 साल भी किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से आपको सैलरी, लेकिन स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी रहेगी वो 35,000 रुपया सैलरी आपके पास यहाँ पे होने वाली है। बात कर लेते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिनका पोस्ट कोड है PEL, उनका क्वालिफिकेशन उनके पास BE BTEC होना चाहिए या फिर BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ENT में या फिर टेली कम्युनिकेशन में। दोनों में जो पोस्ट है उसकी जो क्वालिफिकेशन में बात करूँ, दोनों में पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 मैकेनिकल की, इसका पोस्ट कोड है PEME, जिसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए कैंडिडेट्स के पास BE या फिर BTEC या फिर BSc इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल में होना चाहिए। 3 नंबर जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस की, इसका पोस्ट कोड है PECS, जिसमें क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के पास BE BTEC या फिर BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर, सब पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर की है, डिपेंड है कैटेगरी या डिसिप्लिन पे, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए यहाँ पर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो देख लें यहाँ पे, यहाँ पे लेकिन एक चीज़ यहाँ कहेगा एक्सेम्पशन में कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWD SC एंड ST कैंडिडेट्स आर एक्सटेंड, मतलब जो भी कैंडिडेट्स PWD या SC या ST कैंडिडेट्स हैं उनको एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, बाकी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी लगने वाला है। तो ये सारी वैकेंसीज की डिटेल्स जो हमने आपके साथ शेयर की, तो वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो पाए। इसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।